नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन कैटेगरी में जब कोई व्यक्ति ट्रेड करता है तो कभी कभी रादर बहुत सारी परिस्थितियों में उनके पास में लॉसेस भी बुक होते हैं। इन लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट करना है, इन लॉसेस को किस प्रकार से लेकर के चलना है, इनका कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है, सेट ऑफ किए कैसे किया जा सकता है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न मार्केट में अनरिजॉल्व चलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके सामने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की एक कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास में एफ एंड ओ के लॉसेस हैं, व्हाट इफ यू हैव एफ एंड ओ लॉसेस, तो आपको करना क्या है, उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो टेक्निकली मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि दो चीजें इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड कराता है। पहली चीज है सेट ऑफ करना और दूसरी चीज है कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप समझिएगा। यदि आपके पास में फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटी में किसी वजह से लॉस हो गया और आपके पास में किसी दूसरे हेड में इनकम है या सेम हेड में इनकम है जिसमें आपने एफ एंड ओ एक्टिविटी को माना है, तो आप सेम हेड की दूसरी इनकम से जो पॉजिटिव इनकम है उस लॉस को जो एफ एंड ओ कैटेगरी में आपको हुआ है उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप किसी वजह से सेट ऑफ नहीं कर पाए क्योंकि आपके पास में ना तो सेम हेड में कोई और इनकम है या दूसरे हेड में कोई और इनकम नहीं है, तो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन मुझसे मूलतः अब ये होगा कि भटिया जी, फिर इस एक्टिविटी का बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये है सर कि अगर मान लीजिए आपके पास में पॉजिटिव इनकम है एक बिजनेस में और एफ एंड ओ को अगर आपने बिजनेस एक्टिविटी माना और इन दोनों लॉसेस को मैंने आपस में इन दोनों एक्टिविटीज के एक एक्टिविटी के प्रॉफिट को एफ एंड ओ के एक्टिविटी के लॉसेस को आपस में सेट ऑफ कर दिया, तो आपकी ओवरऑल टोटल इनकम कम हो जाएगी। यदि आपकी ओवरऑल टोटल इनकम कम हो गई सेट ऑफ करने से, तो आपको टैक्स लायबिलिटी बच गई। तो एटलीस्ट मैं आपके नुकसान के भरपाई की बात तो नहीं कर सकता क्योंकि वो तो एफ एंड ओ से ही या तो फ्यूचर में कमाई होगी या वो एक्टिविटी बंद होके कहीं और से हम कमाई करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो लॉस आपने किसी वजह से एफ एंड ओ में बुक किया वो लॉस आपकी टैक्स लायबिलिटी को तो एटलीस्ट कम करने में काम आएगा। और अगर किसी वजह से आपके पास में सेम ईयर में इनकम नहीं है और आपने एफ एंड ओ एक्टिविटी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया है, तो आगे के ईयर की इनकम से एडजस्ट होने की संभावना है, सो दैट यू कैन सेव टैक्स लायबिलिटी देयर ऑन। तो आपको दो पक्ष ध्यान रखने हैं सर, आइदर इफ आई हैव लॉसेज अंडर द एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन then it can be set off, and if it could not be set off, then it should be carried forward and set off. अब आपका अगला क्वेश्चन मुझसे होगा कि भटिया जी, अगर मान लीजिए एफ एंड ओ में लॉस है तो मैं उसे कौन सी इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूं, अगेंस्ट विच इनकम आई कैन सेट ऑफ। तो मैं वन बाय वन आपके सामने अगर बोलूं कि क्या एफ एंड ओ एक्टिविटी के लॉस को सैलरी से एडजस्ट कर सकते हैं क्या, और इससे भी पहले एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा सर कि एफ एंड ओ एक्टिविटी को हम इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन माने, कैपिटल गेन माने या अदर सोर्स माने। इस विषय पर पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जहां ऐसे प्रश्नों का वहां भी डिस्कशन किया था। एफ एंड ओ को बाय डिफॉल्ट सर जहां फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांजेक्शन किया है मैं बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानता हूं, चाहे आप सैलरीड पेड हो, चाहे आप किसी और बिजनेस में लगे हो, या चाहे आपका मेन एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट इनकम क्यों ना हो। क्योंकि एफ एंड ओ में वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन जनरली ज्यादा होता है, तो बहुत लाजमी है कि इस एक्टिविटी को बिजनेस इनकम माना जाए। अब अगर आपने एफ एंड ओ को बिजनेस इनकम माना है और आपके पास में लॉस है और सैलरी हेड के अंदर आपके पास में पॉजिटिव इनकम है, नेचुरली वहां पॉजिटिव ही होती है, तो एफ एंड ओ के लॉसेस दोस्तों मेरी ओपिनियन में सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं किए जा सकते इफ यू आर शोइंग इट एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। यानी फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप एफ एंड ओ एक्टिविटी को बिजनेस इनकम मानते हैं, आप इस एक्टिविटी के लॉसेस को सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एफ एंड ओ के लॉस को अदर सोर्स का लॉस मानते हैं तो सैलरी से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने बात करी है कि एडजस्ट किया जा सकता है एफ एंड ओ लॉस को अदर सोर्स इनकम मानते हुए सैलरी से, इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट खोल सकता है और हो सकता है वो उस असेसमेंट में इस एक्टिविटी को अदर सोर्स में ना ट्रीट करके बिजनेस इनकम में ले जाए और जो सेट ऑफ आपने किया था उस सेट ऑफ को वो रिमूव कर दे।
हाँ, अगर एफ एंड ओ में लॉस है सर, तो आप सेम ईयर में हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से एफ एंड ओ के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, एज्यूमिंग दैट कि आपने एफ एंड ओ को बिजनेस इनकम माना है। इसी प्रकार सर, अगर आपके पास में किसी और बिजनेस के लॉसेस हैं या किसी प्रोफेशन के प्रॉफिट्स हैं, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, अगर आपके पास में किसी और बिजनेस में इनकम है या प्रोफेशन में इनकम है और एफ एंड ओ एक्टिविटी में लॉसेस हैं, तो आप उस दूसरे बिजनेस की इनकम से, चाहे वो प्रिजम्पटिव बिजनेस हो या नॉर्मल बिजनेस हो, या आपके प्रोफेशन की इनकम से एफ एंड ओ के लॉसेस को सेट ऑफ किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास में कैपिटल गेन है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, से फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट से या शेयर से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, सेक्शन 111A में आने वाला 15% का कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उनसे एफ एंड ओ के लॉसेस को एडजस्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी अगर आपके पास में कोई इनकम है, तो सेम ईयर में आप एफ एंड ओ के लॉसेस को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक थंब रूल आपको ध्यान रखना होगा, आप जिस हेड में एफ एंड ओ के लॉसेस दिखा रहे हैं, प्राइमरीली मेरी ओपिनियन है, इसको अच्छी वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन होने पर बिजनेस का लॉस माना जाएगा। स्पेकुलेटिव लॉस नहीं है ये, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है। तो आप सबसे पहले बिजनेस प्रोफेशन हेड के अंदर इस लॉस को एडजस्ट करेंगे दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम से। अगर आपका अभी भी कोई लॉस बच गया है, ठीक है, तो आप सैलरी हेड छोड़ दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से या अदर सोर्स से ऐसे लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां होगा, इफ लॉसेज आर नॉट सेट ऑफ फॉर हाउ मच पीरियड दे कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। कि मान लीजिए मेरे पास सेम ईयर में लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे पास कोई और बिजनेस की इनकम नहीं थी, किसी और हेड में सैलरी के अलावा मेरे पास इनकम नहीं थी, या मैं किसी वजह से सेट ऑफ नहीं कर पाया हूं, तो मैं अब कैरी फॉरवर्ड करूंगा, तो मेरे को कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए मिलेगा? क्योंकि ये नॉन स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है सर, तो अब आपको 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सर, जब आप सेम ईयर में लॉस सेट ऑफ करते हैं, तो आप दूसरे हेड की इनकम से भी एफ एंड ओ के लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, तो आपका वो लॉस उसी हेड में ही सेट ऑफ होगा जिस हेड में आपने उसे बताया था। यानी अगर आपने एफ एंड ओ एक्टिविटी को बिजनेस लॉस रिपोर्ट किया है और कैरी फॉरवर्ड कर गए, क्योंकि सेम ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सब्सिक्वेंट ईयर में बिजनेस प्रोफेशन की इनकम से ही सेट ऑफ करने के लिए मिलेगा। एक और क्वेश्चन जो मुझे किसी ने पूछा, मैं यहां उसका उत्तर देना चाहूंगा कि सर, मान लीजिए मेरे पास एफ एंड ओ में लॉस है और मैं उसे दूसरे बिजनेस से भी सेट ऑफ नहीं करना चाहता, तो क्या मैं फिर उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? मेरा बड़ा स्पष्ट आंसर है सर, आपके पास में चूज करने का ऑप्शन नहीं है कि मैं इस साल सेट ऑफ नहीं करके क्यों ना कैरी फॉरवर्ड कर लूं। आप कैरी फॉरवर्ड उसी परिस्थिति में कर पाएंगे जब आपके पास में सेम ईयर में किसी और हेड में इनकम नहीं है सेट ऑफ करने के लिए, एज पर द रूल विच आई डिस्कस विद यू। अगर आपके पास में किसी दूसरे हेड में सैलरी को छोड़ करके इनकम है, या सेम हेड में इनकम है जिसमें आप एफ एंड ओ को रिपोर्ट कर रहे हैं, लॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं एफ एंड ओ के, तो ऐसी परिस्थिति में आपको पहले सेट ऑफ का ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। यदि आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, तभी आप कैरी फॉरवर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे। और ऐसी परिस्थिति में सर, आपका कैरी फॉरवर्ड का जो टोटल पीरियड है, वो नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स होगा मैक्सिमम। आप अगले 8 साल में एफ एंड ओ के लॉसेस को, जो पीछे से आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, उन्हें सेट ऑफ कर सकते हैं। एक और प्रश्न दोस्तों आपके सामने रखता हूं, व्हाट इफ इन फ्यूचर ईयर्स एफ एंड ओ एक्टिविटी इज नॉट कैरिड आउट। कि अगर भावी सालों में, अगले ईयर्स में आपने एफ एंड ओ एक्टिविटी बंद कर दी, पर आपके पास एफ एंड ओ का लॉस है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि अब आप एफ एंड ओ एक्टिविटी में नहीं है, आपके लॉसेस को डिनाई कर सकता है क्या सेट ऑफ करने से? नहीं सर, अगर सब्सिक्वेंट ईयर में आपके किसी और बिजनेस से भी आपको इनकम है, तो, और मैं मान लेता हूं कि पीछे आपने एफ एंड ओ एक्टिविटी के लॉसेस को बिजनेस प्रोफेशन के लॉस के रूप में दिखाया है, बिजनेस के लॉस के रूप में दिखाया है, तो आप सब्सिक्वेंट ईयर में किसी और बिजनेस के प्रॉफिट से ऐसे लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे आप सब्सिक्वेंट ईयर में एफ एंड ओ एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, तो भी ये लॉस आपको एडजस्टमेंट के लिए कैरी फॉरवर्ड करने के बाद मेरी ओपिनियन में मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि एफ एंड ओ के लॉसेस पर बनाई गई ये वीडियो आप तक एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का संदेश पहुंचाने में
सहायक रहेगी। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो F&O से रिलेटेड, F&O के टैक्सेशन एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।